बहुत दिनों के बाद मेरा आज ब्लॉग आ रहा है, मैं आज ब्लॉग कर रही हूँ। तो एक्चुअली आज के वीडियो में मैं पुणे से मुंबई कैसे जा रही हूँ और मुंबई से पुणे कैसे आ रही हूँ, उसके बाद में वहाँ पे जाने के बाद मेरा जो काम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, मैं अभी मतलब फ़िलहाल तो मैं ऑन द वे हूँ, निगड़ी के पास हूँ। तो मैं एक्चुअली भूल गई थी व्लॉग करना, लेकिन आज मेरा भाई मेरे साथ है तो फिर उसने मुझे बोला कि तू व्लॉग नहीं कर रही, तो इसलिए मैंने अभी स्टार्ट 10-15 मिनट हो गए। तो मैं स्टार्टिंग से लेना चाहती थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी में, क्योंकि ना सुबह के 7:30 बजे हम निकले हैं। तो अभी हम ऑन द वे हैं, जैसे जैसे हम जहाँ जा जाएंगे उतना मैं थोड़ा थोड़ा शूट करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। होती है ना, सीरियसली हम मुंबई में 2 घंटे में आ गए लेकिन यहीं पे मुंबई में हमें 2 घंटे लग रहे हैं, इतनी ट्रैफिक है ना। सही यार, बहुत डेंजर है यहाँ पे। मैं तो सोच रही हूँ यहाँ पे लोग कैसे ट्रैवलिंग करते होंगे। सही, लिटरली यार यहाँ पे कहीं भी जाओ ना तो सिग्नल बहुत बड़ा होता है, मतलब 105 119 ऐसा बहुत बड़ा सिग्नल होता है। तो सच में यार यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे, मैं तो कभी ना हूँ मुंबई, बहुत डेंजर है। लेकिन अच्छा है, मुंबई सपनों की नगरी है तो अच्छी ही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मुंबई, अभी तो पूरा देख लिया है, अभी घूमना बाकी है। अभी कार में से ही देख रही हूँ मैं सब कुछ, अभी जब बाहर उतरेंगे तो देखेंगे। अभी जहाँ हमें जाना है, अभी आपको सच में बता रही हूँ, हम 7:30 बजे घर से निकले थे और अभी कितने बजे पता है? अभी 12 बज गए, ये देख लो, 12:10। सच में यार ये मुंबई ने बहुत परेशान करके रख दिया है। तो फाइनली गाइज, अभी हमारा सारा काम हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं वापस पुणे। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला कि नॉर्मल एक मीटिंग हुई, एग्रीमेंट तो आज हुआ नहीं क्योंकि एग्रीमेंट एक दिन की बात नहीं होती, वो बस बोलने का होता है।
आज मुझे सच में समझ में आया कि एक एक्टर को ही नहीं बल्कि पूरे प्रोडक्शन को मेहनत करनी पड़ती है. एक मूवी के पीछे बहुत मेहनत होती है. अब मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो मूवी ही हो, वो कोई छोटा सॉन्ग क्यों ना हो, उसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है. फिर एग्रीमेंट हो या फिर लोकेशन हो, मतलब बहुत तैयारी करनी पड़ती है. उसके बाद जाके एक अच्छा सॉन्ग या फिर एक अच्छी मूवी आती है. तो अभी तो फिलहाल हम मुंबई में हैं. दो घंटे हो गए हम मुंबई में ही घूम रहे हैं. यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है ना भाई, यहाँ के लोग कैसे रहते हो गए? रहना तो दूर की बात है भाई, यहाँ पे लोग ट्रैवलिंग ही कैसे करते हो गए? अगर कोई कोई होगा जॉब वाला बेचारा, वो दो घंटे के बाद घर पे जाएगा. कुछ यार बहुत बहुत हार्ड है यार, यहाँ पे यहाँ की ट्रैफिक ही फेस करना बहुत हार्ड है सच में. तो इम्पा करके कोई हॉबीज था तो वहीं पे ही हमारा काम थी. हाँ, और एक टी सीरीज का था जो कि सॉन्ग्स के लिए सर को करना था. तो वो क्या होता है ना यार, हम क्या हाँ, और एक डिश टी सीरीज और हाँ, और एक गुजराती के लिए था. अभी वो गुजराती का तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. और हाँ, एक टी सीरीज का क्यों यार, अगर आप लोग बोलोगे कि ये लोग ना सॉन्ग्स किसे चैनल्स को देते हैं, तो ये प्रोसेस ना अब भी मुझे पता चली है कि एक्चुअली में प्रोसेस होती है. ये देखो भाई, ऐसा नहीं होता कि हाँ ले ले पैसे ले ले और ये हमारा गाना है ये डाल दे चैनल में, ऐसा कोई होता नहीं है. एक्चुअली ना पहले चैनल की परमिशन लेनी होती है, चैनल को सॉन्ग देना होता है. अगर वो चैनल को सॉन्ग अच्छा लगे तो वो उसे ग्रेड देता है, ए बी सी डी ऐसे कुछ ग्रेड्स होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद वो ग्रेड देने के बाद वो सोचता है, फिर सोचने के बाद वो एग्रीमेंट करता है. और एग्रीमेंट करने के बाद वो सॉन्ग अपलोड करता है. तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है. सॉन्ग तो बन जाता है लेकिन उसको रिलीज करना बहुत मुश्किल है. चैनल ने लेना चाहिए. अब
बज चुके हैं, कितने बज गए, अभी 10 बज चुके हैं और अभी हम रेस्टोरेंट में आए हैं। अभी मैं फ़िलहाल तो तड़ेगांव में हूँ, यहाँ से मुझे आधा या फिर एक घंटा लग सकता है अगर ट्रैफिक रही। मसाला डोसा, हाँ मसाला डोसा, हाँ तो यहाँ से मुझे एक घंटा लगेगा। तो भाई अभी 11:30 बजे मैं घर पहुँच चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि हर दिन में मैंने ट्रैवल नहीं की है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।